राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर वालों के लिए मासिक राशिफल नवंबर 2023 की, कैप्रिकॉन मंथली होरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023। नवंबर का महीना क्या कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है, क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या समस्याएं रहेंगी, कैसा रहेगा मकर वालों के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच में आपका भाग्य का साथ, कैरियर, आपकी नौकरी, बिजनेस का हाल, आपके रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, आपकी लव लाइफ, शिक्षा पक्ष, स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर ये वीडियो आधारित है। आप इसको लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। लग्न की राशि से भी गोचर फल देखने के नियम ज्योतिष में बताए गए हैं। अगर आपको राशि या लग्न की राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। नवंबर के महीने में काफी महत्वपूर्ण घरों के परिवर्तन हो रहे हैं, काफी सारे योग बनेंगे। ये जो मासिक राशि फल है जिसकी अभी हम बात करेंगे, ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। इसको देखकर आप आने वाले जो महीने की घटनाएं हैं उनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उसको देखकर आप अपनी योजनाओं को उसके अनुसार बना सकते हैं, अपने व्यवहार को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नवंबर के महीने में जो घरों की स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। नवंबर के महीने में मकर वालों के लिए जो आपके राशि स्वामी हैं वो दूसरे भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वो 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे आपके लिए। और जो बृहस्पति हैं वो रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, राहु नवंबर से तीसरे भाव का फल देंगे और केतु आ जाएंगे आपके नवम भाव में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 16 नवंबर तक नीच राशि तुला में रहेंगे आपके दशम भाव में, और 16 नवंबर को वो राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में। मंगल भी सूर्य के साथ ही इस बार परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में रहेंगे 16 नवंबर तक आपके दशम भाव में, और फिर 16 नवंबर के बाद लाभ भाव में रहेंगे सब राशि के होकर। शुक्र की स्थिति को समझे तो 3 से 29 नवंबर के बीच में शुक्र नीच राशि कन्या में रहने वाले हैं, केतु के साथ आपके नवम भाव में। बुध इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे, 1 से 6 तारीख तक वो तुला राशि में रहेंगे आपके दशम भाव में। 6 से 27 नवंबर के बीच में, मतलब नवंबर के अधिकतर समय, वो शत्रु राशि वृश्चिक में रहने वाले हैं आपके 11वें भाव में, और 27 से वो आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, धनु राशि में। अब बात करते हैं परिणाम की, कि ये जो घरों के योग संयोग हैं ये क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका आर्थिक पक्ष, ये सब कैसा रहने वाला है। तो भाग्य देखा जाता है नवम भाव से। नवम भाव में इस बार शुक्र नीच के रहेंगे केतु के साथ, और जो बुध ग्रह हैं नवम भाव के स्वामी वो 6 से 27 नवंबर के बीच में आपके लाभ भाव में रहेंगे, और 1 से 6 तारीख तक वो आपके दशम भाव में रहेंगे। जब वो दशम भाव में होंगे तो मंगल के साथ युति करेंगे, और 16 से 27 नवंबर के बीच में वो 11वें भाव में होंगे, तब भी वो मंगल के साथ युति करेंगे। मंगल और बुध का जो ये संयोग है ये एक तरह का धन योग और केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है। मंगल आपके लिए केंद्र के यानी कि चतुर्थ भाव के और 11वें भाव के स्वामी है, और बुध आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी है। तो 1 से 6 तारीख के बीच में तथा 16 से 27 नवंबर के बीच में भाग्य आपका मजबूत रहेगा। पूरा महीना आप भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते हैं। 16 से 27 नवंबर के बीच में और 1 से 6 तारीख के बीच में यदि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो ले सकते हैं। करियर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, या ट्रेवलिंग से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है तो वो आप इन तारीखों के बीच में ले सकते हैं। कैरियर की बात करें तो दशम भाव ही होता है आपके कैरियर का। दशम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र वो नीच रहेंगे आपके नवम भाव में केतु के साथ, और 16 नवंबर तक सूर्य और मंगल और रहेंगे आपके दशम भाव में, जिसमें सूर्य नीच राशि के हैं लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है क्योंकि उनकी उच्च राशि के जो स्वामी हैं, सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं, उसके स्वामी मंगल सूर्य के साथ ही रहने वाले हैं। 1 से 6 तारीख तक बुध भी दशम भाव में ही रहेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य और मंगल निकलकर 11वें भाव में चले जाएंगे। तो 1 से 6 नवंबर के बीच में जो आपका धनयोग और एक राजयोग बन रहा है बुध और मंगल का आपके दशम भाव में, और 16 से 27 नवंबर के बीच में भी जो धनयोग और ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है बुध और मंगल का, वो 11वें भाव में बनेगा। तो ये कुछ दिन आपके लिए काफी लाभदायक है करियर के मामले में। एवरेज महीना है अगर ओवरऑल देखते हैं तो नवंबर का करियर और नौकरी के मामले में। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है और वो 16 नवंबर तक दशम भाव में रहेंगे, तो कोई टैक्स कॉम्प्लिकेशंस आपको परेशान कर सकती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गुप्त शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, सरकारी कार्यों में आपके बाधा आ सकती है। शुक्र दशम भाव के स्वामी नीच हैं आपके नवम भाव में केतु के साथ हैं, तो वो त्रिकोण में, लेकिन फिर भी टारगेट अचीवमेंट में
और मेहनत का फल पाने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, उससे असंतुष्टि होगी आपको। नौकरी में काफी अलर्ट रहने की जरूरत है नवंबर के महीने में। कोई ट्रांसफर या प्रमोशन का प्रयास आप ना करें तो अच्छा रहेगा। सीनियर से और फीमेल वर्ग से संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा, उनसे वाद विवाद आपके हो सकते हैं। फिर भी कैरियर नौकरी के मामले में 1 से 6 तारीख के बीच में और 16 से 27 तारीख के बीच में जो बनने वाला धन योग है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है बुध और मंगल के बीच में, ये आपको काफी लाभ भी दे सकता है। पद प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। 1, 5, 20 और 24 ये कुछ विशेष तारीख हैं नवंबर के महीने की, जहाँ पर कैरियर नौकरी से संबंधित शुभ आपको कुछ घटना देखने को मिल सकती है। कुछ अच्छा पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है इन तारीखों पर। चंद्रमा बुध और मंगल के नक्षत्रों से गुजरेंगे इन तारीखों पर। इसके साथ ही 8, 17, 26, 9, 18 और 27 ये कुछ अशुभ तारीखें भी हैं, जहाँ पर नौकरी और करियर के मामले में आपको अलर्ट रहना है। व्यापार की स्थिति को देखें तो सातवां भाव होता है व्यापार का, और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो हर 2 दिन में राशि बदलते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हैं। तो मकर वालों के लिए व्यापार का मामला उतार चढ़ाव तो हमेशा ही देता है व्यापार के मामले में चंद्रमा उनको। इस महीने बुध जो व्यापार के कारक हैं वो 1 से 6 तारीख तक तथा 16 से 27 तारीख के बीच में अच्छे योग में है मंगल के साथ, तो व्यापार के लिए महीना ठीक है। 20 दिन ऐसे हैं जहां आपकी डेली इनकम जरूर बढ़ेगी। व्यापारिक विस्तार भी आप इन पीरियड्स में कर सकते हैं, 1 से 6 तारीख के बीच में और 16 से 27 तारीख के बीच में। 1, 5, 20 और 24 ये तारीखें व्यापार के दृष्टिकोण से भी मकर वालों के लिए शुभ रहेंगी नवंबर के महीने में। वैवाहिक जीवन भी आपके सातवें भाव से ही देखा जाता है। शुक्र इस महीने नीच है और वो भी केतु के साथ है, और राहु की 5वीं दृष्टि भी नवंबर से अब आपके सातवें भाव पर आएगी। तो नवंबर का महीना जो है ये सावधानी से चलने वाला है। रिश्तों के मामले में वाद विवाद से आपको बचना होगा। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव आपके धन की बचत को दिखाता है, और 11वां भाव इनकम को दिखाता है, 12वां भाव खर्चों का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव हैं, जो कि पहले भाव के भी स्वामी हैं और दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस और फर्स्ट लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, दोनों ही स्थितियों में शनिदेव अच्छी स्थिति में है मकर वालों के लिए। अभी वो वक्री चल रहे थे तो सीधा सीधा फल आपको नहीं मिल रहा था, चीजों में डिले हो रहा था, लेकिन अब 4 नवंबर से वो मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएंगे। लेकिन उतरती हुई 7.5 भी आपको चल रही है। शनिदेव आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे 4 नवंबर के बाद, जब वो मार्गी हो जाएंगे। ऊर्जावान रहेंगे आप, मस्तिष्क में आपके स्थिरता आएगी, लक्ष्य से आप भटकेंगे नहीं, भावुकता आपके अंदर कम हो जाएगी। शनिदेव रियलिटी वास्तविकता के कारक हैं। राशि स्वामी मजबूत हैं तो उतरती हुई 7.5 भी आपको अब परेशान नहीं करेगी। धन की बचत के मामले में सीरियसनेस आएगी नवंबर महीने से, धन की स्थिति आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। करियर नौकरी व्यवसाय में भी बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनेगी। शनिदेव रोजगार के कारक होते हैं, ओवरऑल आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। नवंबर से राहु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे तो साहस और पराक्रम आपका बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तीसरे भाव में राहु का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। आपका साहस और पराक्रम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च होगा नवंबर से। राहु का जो प्रभाव रहता है वो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स को बढ़ाने वाला होता है। आपकी जो संवाद शैली है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें चालाकी आ जाएगी। यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। नया स्टार्टअप यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें भी राहु हिम्मत देंगे, शुभता देंगे। रिस्क लेने की अक्षमता भी आपकी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी, जमीन, चौथे भाव की चीजों को अगर देखें तो साहस, पराक्रम और खर्च के भाव के स्वामी, मतलब तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके चौथे भाव में नवंबर से मजबूत हो जाएंगे। मेष राशि में तो वैसे ही है मित्र राशि में, लेकिन अभी तक जो चंडाल दोष की वजह से परेशानी आ रही थी वो अब दूर हो जाएगी, चंडाल दोष अब नहीं रहा। तो बृहस्पति के मजबूत होने से, और साथ ही में जो चतुर्थ भाव के स्वामी है मंगल, वो 16 नवंबर तक आपके दशम भाव में है, तो उनकी 7वीं स्वग्रही दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। और 16 नवंबर के बाद भी मंगल 11वें भाव में रहेंगे, जहाँ वो स्वराशि के होंगे, लाभ भाव में, वृश्चिक राशि में। तो मजबूत स्थिति है काफी। प्रॉपर्टी, जमीन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो मकर वाले हैं उनके लिए महीना काफी शुभता लिए हुए है। 1, 11, 20 और 3, 13, 22 ये शुभ तारीखें हैं नवंबर के महीने की, जहां पर प्रॉपर्टी, जमीन, चौथे घर की चीजों से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है। इन तारीखों पर कोई लग्जरी आइटम, कुछ अच्छी चीज आप खरीद भी सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में रहेंगे, 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव में रहेंगे, 16 नवंबर के बाद मंगल और दूसरे भाव के स्वामी आपके शनिदेव हैं। तो ओवरऑल जो धन की स्थिति है मकर वालों के लिए नवंबर के महीने में अच्छी रहने वाली है।
स्वास्थ्य की बात करें तो पहले भाव के स्वामी आपके शनि दूसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर से, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। पंचम भाव के स्वामी होकर शुक्र नीच है केतु के साथ, तो पेट का एब्डोमन का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव ही होता है शिक्षा का, जिसके जो स्वामी है शुक्र वो नीच है केतु के साथ, लेकिन त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है, तो औसत महीना है शिक्षा प्राप्ति के लिए। फोकस आपका डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पूरा महीना रहने वाली है। जब वो 16 नवंबर तक 10वें भाव में होंगे तो 8वीं दृष्टि, और जब वो 11वें भाव में जाएंगे 16 नवंबर के बाद तो 7वीं दृष्टि। तो जो ऊर्जा का लेवल है शिक्षा प्राप्ति में वो आपका बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। फोकस जो है आपका शिक्षा गैजेट्स में और दूसरी चीजों में शुक्र नीच की होने की वजह से डाइवर्ट हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो बुद्धि है, निर्णय लेने की शक्ति है, स्पेकुलेशन है, निवेश कार्य है, विशेषकर स्टॉक मार्केट प्रबंधन, ये सारी जो चीजें होती हैं ये पंचम भाव से संबंधित हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र नीच रहेंगे अधिकतर समय नवंबर में, तो इन्वेस्टमेंट्स में आपको सावधानी रखनी है, जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। प्रेम संबंधों के लिए भी महीना इतना अच्छा नहीं है, रिश्तों में आपके मतभेद बढ़ेंगे, लव रिलेशंस भी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। फॉरन सेटलमेंट का मामला देखें तो 12वें भाव के जो स्वामी है बृहस्पति, वो अब चतुर्थ भाव में मजबूत होने जा रहे हैं नवंबर से, चंडाल दोष से वो मुक्त हो जाएंगे, और बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वापिस 12वें भाव पर रहेगी। आपकी राशि के स्वामी शनि की तीसरी दृष्टि भी बृहस्पति पर है, तो शुभ महीना है विदेशी संबंधी कार्यों को निपटाने के लिए। 3, 13, 22, 4, 14, 23 इन तारीखों पर नवंबर के महीने में विदेश संबंधी मामलों में आपको शुभता मिल सकती है। कोई वीजा पीआर का अगर इशू है तो इन तारीखों पर प्रयास करने से वो रिजोल्व हो सकता है। अब नजर डालते हैं नवंबर 2023 के व्रत और त्योहारों पर, और साथ ही में बात करते हैं कि क्या विशेष उपाय नवंबर के महीने में मकर वालों को करने चाहिए। तो शिवलिंग पर आपको 1 चम्मच दही अर्पण करना चाहिए, विशेषकर शुक्रवार को जरूर कीजिए, और उसके बाद फिर जल अर्पण जरूर कीजिए, और साथ ही में 5-10 मिनट शुक्र का तांत्रिक मंत्र आपको जपना चाहिए वहीं बैठकर। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का आपको पाठ हर रोज 3 बार जरूर करना चाहिए, और पक्षियों को दाना पानी आप डालते रहें। राम राम।